हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम नवजान है, मेरा नाम नदीम। तो चैनल बनी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देता कि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो 2050 में कैसा होगा भारत, इंडिया 2050 वीडियो। बहुत तरक्की कर जाएगा 2050। जाहिर सी बात, अब ये कितनी तरक्की करेगा ये अब ये वीडियो में देख के पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। ये क्या हुआ? कोई गाड़ी। दोस्तों एक बार फिर गाड़ी को आपका प्रजापति न्यूज में। साल 2050 में ऐसा होगा हिंदुस्तान, YouTube नहीं चाहता कि आप इसे अच्छा, देखें। अच्छा दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारा भारत दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से बिल्कुल। और जब बात साइंस और टेक्नोलॉजी की आती है तो हमारे देश में इसका बहुत ही बड़े लेवल पर विस्तार हो रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि साल 2050 तक भारत का पूरा नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि आज हम और आप जो भारत देख रहे हैं वो आने वाले लगभग 30 सालों में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच होगा। या फिर कह लीजिए हमारा भारत 2050 तक दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है। जी हाँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे, बल्कि आज के वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत की वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना इसी तरह। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज दुनिया के सबसे विकसित देशों में चीन शामिल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ की जनसंख्या में मौजूद वो लोग हैं जो दिन रात अपने देश के लिए काम करते हैं। और हमारे भारत में भी देशभक्त कुछ कम नहीं है, लगातार देश के जुटे हुए हैं। बड़े जब 2050 तक हमारा भारत चाइना को पकड़ कर यानी पछाड़ कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनेगा, तो कुछ दिक्कतें हमें झेलनी ही पड़ेंगी। लेकिन दिक्कतों के अलावा अगर हम फायदों के बारे में बात करें तो इतनी ज्यादा आबादी होने के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी लगातार विकास करेगी। वैसे 2050 तक देश में कई सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारे कामों के लिए रोबोट की जगह ले रही है ना। लेकिन जहां एक तरफ इस समय चल रही नौकरियां खत्म होंगी तो वहीं दूसरी तरफ नौकरियों के नए अवसर सामने आएंगे। आने वाले 30 सालों में भारत की जनसंख्या का 50% हिस्सा शहरों में बस चुका है। अच्छा। अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करें तो हमारा देश पूरी दुनिया में बेस्ट हो जाएगा, अभी भी बेस्ट। जैसे लाइलाज मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। वैसे देखा जाए अभी तक भारत में कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एकाएक कई सारे शहर स्मार्ट सिटी में बदल जाएंगे, जहाँ पर अलग अलग तरह की सुविधाएं और टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। दोस्तों वैसे तो आज के टाइम में मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन 2050 तक हमारे मोबाइल फोन और बाकी के गैजेट्स हमें वर्चुअल रियलिटी का अनुभव कराने के लिए तैयार रहेंगे। और आज जो आप इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, आने वाले समय इतना एडवांस हो जाएगा कि आपके घर की अधिकतर चीजें इलेक्ट्रॉनिक और सोलर एनर्जी से चलेंगी। आने वाले 30 सालों में होलोग्राफी कॉल जैसे टेक्नोलॉजी बिल्कुल आम हो चुकी होगी, यानी आप जिस किसी से बात कर रहे होंगे उसे अपना सामने खड़ा हुआ महसूस करेंगे, जिसकी वजह से इंसान चाहे जितना भी दूर क्यों ना हो वो कभी दूर लगेगा ही नहीं। आने वाला समय इतना ज्यादा एडवांस होगा कि छोटे छोटे स्कूल भी डिजिटल हो जाएंगे। इस वजह से आज जो बच्चे पीठ पर भारी भारी बस्ते हम देखते हैं उनका बोझ कम होता है और इसकी जगह लैपटॉप या टैबलेट ले क्योंकि सारी पढ़ाई डिजिटल तरीके से करवाई जाएगी। दोस्तों केवल एजुकेशन सिस्टम ही नहीं बल्कि यातायात क्षेत्र में भी क्रांति देखने को मिलेगी, क्योंकि 2050 आने से पहले ही भारत की सड़कों पर बहुत बड़ी मात्रा में बिजली से चलने वाली अभी भी हल्के की चल पड़ी है, बसें अब बिजली वाली चल रही गई है। तो हमारे कार चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप कार के अंदर बैठकर आराम से स्क्रीन पर देख रहे होंगे और आपकी कार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। नहीं, डरने की बात नहीं है, कार के अंदर सेंसर लगे होंगे जिसकी वजह से एक्सीडेंट की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि सेंसर की मदद से कार जैसे ही किसी चीज से टकराने वाली होगी वो पहले ही रुक जाएगी। अब इतना समझ लीजिए कि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से सफर करना न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि बहुत तेज भी हो जाएगा। खैर ये सारी चीजें तो आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगी, लेकिन भारत की राजनीति और नीतियों में भी कई सारे बदलाव आ जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत तो करप्शन है। पर आने वाले समय में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे जिसका कंट्रोल एक इंसान के पास नहीं होगा,
बल्कि चीजें डायरेक्ट जनता तक, जिस वजह से कोई भी गलत काम नहीं हो पाएगा। भारत की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आज हम जिस तेजी से विकास कर रहे हैं और जो आज की टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, देखकर ये कहना भी गलत नहीं है कि आने वाले समय में हमारा देश अमेरिका को भी पीछे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा खतरा चाइना है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जहाँ से दुनिया भर में चीजें भेजी जाती है। लेकिन चाइना की सबसे बड़ी ताकत वहाँ पर मौजूद सस्ते लेबर की वजह से है, क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट सस्ता होने की वजह से वहाँ बनने वाले प्रोडक्ट सस्ते बनते हैं और इसीलिए दुनिया भर में इंडिया में से भी ज्यादा सस्ता जाता है। पर अगर इस नीति पर हमारा भारत भी काम करने लगे और इसके साथ साथ प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करवाए तो हम चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। जहाँ एक तरफ हम अमेरिका को तो पीछे छोड़ ही देंगे, वहीं इस नीति के साथ हम चाइना को भी धोबी पछाड़ करके धो देंगे और फिर आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ भारत का होगा। अगर साफ और शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो हमारे भारत में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने की संभावना पूरी है। बस दिक्कत यहाँ होने वाली रणनीतियों की है। अगर हम सही ढंग से सही दिशा में काम करें तो हमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमारा भारत विकास कर ही रहा है। पर यहाँ जरूरत है सही गाइडेंस की, अपने गलतियों से सीखने की और आगे बढ़ने की। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर बैठे नहीं रह सकते। और दोस्तों, हम माने या न माने, हमारे देश के विकास में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ की पॉलिटिक्स और जाति भेद है। जिस दिन ये दोनों चीजें सही रास्ते पर आ गई और लोग धर्म और जाति के दंगों से हटकर सही चीजों का साथ देने लगे, उस दिन से पूरी दुनिया को हमारे भारत से खतरा होगा। और जिस हिसाब से आजकल के युवा सोच रख रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि आने वाला समय वाकई में भारत का होने वाला है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। यार मैं कहता हूँ कि भारत में ऐसी चीजें हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, मतलब कि आप अगले से बात करेंगे बंदा ही एक किस्म के इलेक्ट्रॉनिक तौर पे वो डिस्प्ले आ जाएगा सामने, पता नहीं लगेगा बंदा सामने मतलब दूर है कि नहीं, तरक्की हो जाएगी। बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं। इंडिया में अभी आहिस्ता आहिस्ता इनमें से काफी ज्यादा चीजें आ चुकी है, मतलब गाड़ियों के अंदर जो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम ये सारा कुछ आया हुआ है। ऑटो पे गाड़ियां चल रही है आजकल, इसमें कोई टेस्ला को आप देख लो, और इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही है। अच्छा, हाँ इलेक्ट्रिक बसें वहाँ पे चल पड़ी है वहाँ, यह वाक्य में वहाँ पे हो चुका है। इलेक्ट्रिक कारें तो मैंने सुना है, इलेक्ट्रिक बसें वहाँ पे चल पड़ी, और अपनी कंपनी की इंडिया की टाटा। अच्छा, ये बहुत तरक्की है इंडिया, अभी देखें इतनी तरक्की हो रही है तो 2050 तो बहुत पता नहीं हम तब तक रहते हैं कि नहीं रहते, लेकिन ये है कि इंडिया ने मतलब सबको पीछे कर दिया। अभी भी इतनी की तरक्की की रफ्तार है कि बंदा क्या बोले, हमारा मुल्क तो बहुत पीछे, हम तो नहीं बोल सकते पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ सकते इंडिया को, लेकिन ये कि अमेरिका तक के देश को ये पीछे छोड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और जनता ज्यादा होने की वजह से युद्ध ज्यादा, सबको ज्यादा, और आपको पता है फिर जब ये युद्ध ज्यादा हो तो फिर कितनी ज्यादा तेजी तरक्की करती। चाइना ने इसी वजह से तरक्की की थी, और अब चाइना से डबल मतलब के डिजिट्स में इंडिया आगे जाएगा। बिल्कुल सही बात, और बहुत जल्द इंडिया क्रॉस कर जाएगा 2050 तक, या तो चाइना तक या तो चाइना से आगे इंडिया ने अमेरिका को तो पिछाड़ देगा ना, तो चाइना को भी। बिल्कुल, और जिस तरह अंदर टेक्नोलॉजीज हैं, जिस तरह इन्होंने बताया है, मतलब कि सब कुछ ऑटो हो जाएगा, जो करप्शन है वो भी खत्म हो जाएगी, सारा कैमरे के सिस्टम होंगे। बिल्कुल कैमरा, बिल्कुल हर जगह कैमरा, वही ना, और वो बंदे उनको नहीं देखेंगे, वो ऑटोमेटिक होगा, जो भी प्रोसेस उसका होगा बाय सॉफ्टवेयर या तो कोई रोबोट, उसकी वजह से ये चोरी मोरी डाके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और इंडिया के अंदर काफी रोबोट्स वगैरह भी आपको आम रोडों पे चलते हुए नजर आएंगे, ये हो जाएगा बहुत जल्द। अभी भी इंडिया के अंदर क्या कहते हैं होटल्स हैं, उसके अंदर रोबोट काम कर रहे हैं एज अ वेटर। देखे ना जदीद टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल कर, वो देख लो इंडिया इसी दौर में इंडिया रोबोट यूज कर रहा है, तब तो पता नहीं क्या करेगा। तो यार आप लोग बताएं आपके इस वीडियो के बारे में क्या थॉट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, तब बहुत ज्यादा ख्याल रखें, तो बाय।